आपके घर के नज़दीक कहीं भी इस तरह का फूल, जिसे हम सदाबहार फूल कहते हैं या पेरीविंकल फूल कहते हैं या रिंका रोजिया फूल कहते हैं, ये अगर आपके घर पर कहीं पर भी है तो इसका अर्थ केवल यही है कि आपके घर के बिल्कुल बगल में एक औषधों का भंडार है। आज जो मुझे आपको बताना है, ये फूल हमारे आयुर्वेद में, मार्मिक चिकित्सा में, सिद्ध वैद्य में, बहुत सारे अलग अलग थेरेपीज़ में इनको अलग अलग रोगों के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सदाफूली, सदाबहार या पेरीविंकल को किसी भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। सदाबहार पौधा सही या नियंत्रित कर सकता है आपके कैंसर, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर को। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में हमारे चारों तरफ कहीं भी मिल जाता है, मगर इसके गुण ना मालूम है, ना ही कोई इसके बारे में जानते हैं, इसीलिए इसे खरपतवार की श्रेणी में मान लिया जाता है और उसे उखाड़ के फेंक दिया जाता है। मगर ऐसा साधारण से दिखने वाला पौधा कैंसर, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के लिए अत्यंत फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। इस पौधे का नाम है सदाबहार। इसको सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि 12 महीने पूरे वर्ष फूल आते हैं, इसीलिए इसको बारहमासी, सदा पुष्पी या सदा पुष्पा या नित्य कल्याणी भी कहते हैं। मराठी में इसे सदा फूली कहते हैं और तमिल में इसे सुदकदी मलकई भी कहा जाता है। सदाबहार की पत्तियों में दो एल्कलॉइड पाए जाते हैं, विनक्रिस्टाइन और विनब्लास्टाइन। एलोपैथी में इन दोनों नामों के इंजेक्शन भी आते हैं जो मुख्यतः कैंसर के रोगियों को दिए जाते हैं। ये कैंसर में कीमोथेरेपी के साथ दिए जाते हैं। कैंसर के रोगियों को इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर नियमित देने पर अगर रोगी ऐसी हालत में है जिसमें वो कुछ खा ना सके तो इसका रस निकाल कर भी उन्हें दिया जा सकता है। ध्यान रहे, ये सुबह में खाली पेट चौंश के बाद ही देना होता है। सदाबहार के फूल और सदाबहार के पत्ते पौधे हर एक तरह के ऑलमोस्ट 150 प्रकार के एल्कोलॉइड देते हैं जिनका हाइपोग्लाइकेमिक इंडेक्स या हाइपोग्लाइकेमिक इफेक्ट जो है वो रक्त के शुगर के लेवल को कम करता है और बेहद लाभकारी होता है। यह एल्कोलॉइड पैनक्रियास की बीटा सेल्स को शक्ति प्रदान करते हैं जिससे पैनक्रियास सही मात्रा में इंसुलिन निकालना शुरू करते हैं। इंसुलिन ही वो ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में शुगर की मात्रा संतुलित करता है, इसीलिए ये दोनों प्रकार के शुगर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटीज़ में इस पौधे के फूल, पत्ते, टहनी आदि का रस पी सकते हैं या इसकी चटनी बनाकर खाएं। रात में 5 पत्ते एक गिलास में पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट चौंश के बाद इस पानी को पी लीजिए और चटनी को भी खा लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप डायबिटिक हैं। इसे आप कम से कम 10 से 15 दिन करने की कोशिश कीजिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके शुगर में बहुत अच्छा ढंग से परिवर्तन हो सकता है। सदाबहार की जड़ें जिसमें एजमलसिन और सर्पेंटाइन नामक एल्कोलॉइड भी पाए जाते हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं। अब ये उच्च रक्तचाप के लिए अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इसकी जड़ को साफ करके सुबह चबा चबा कर खा लीजिए या फिर दातून की तरह चबा चबा कर इसका रस पीते रहें और बाद में इसके अवशेष को फेंक दें। इसके साथ में आप सर्पगंधा की जड़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर जो एक द्रव्य बनता है, जो इसका रिजल्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। सर्पगंधा आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा, पर अगर आपको सर्पगंधा नहीं मिलता है तो आप केवल सदाबहार की जड़ का उपयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत लाभकारी होता है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब ही भी आप इसके फूल या इसके पत्ते लें तो केवल गुलाबी रंग के ही लें या सफ़ेद रंग के ही पौधे का उपयोग करें, दूसरे किसी भी रंग के पत्ते या फूलों को आप उपयोग में ना लाएं। इन दोनों में भी अधिक गुणकारी सफ़ेद फूल माना जाता है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।